YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। वहीं धर्मशाला में समाज सेवी संस्था जन चेतना की ओर से आयोजित परस्पर संवाद कार्यक्रम में खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने चीनी के मूल्य के को लेकर चर्चा की और उन्होंने कहा कि आगामी जुलाई महीने में लोगों को चीनी वर्तमान मूल्य से 5 रुपए सस्ती मिलेगी। साथ ही कहा कि राज्य सरकार के केंद्र और अन्य राज्यों की सरकारी एजेंसियों से खाद्य उत्पाद खरीदने के फैसले के चलते सरकार को 78 करोड़ रुपए की बचत हुई, जिसके बाद ये फैसला जनता के हित में लिया गया।